असलम व्यूवर्स, मैं कोतला और आप देख रहे हैं गुलबर्ग एसोसिएट्स का यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं जी पार्क टाउन हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन रिवील करने और उसका डिटेल रिव्यू करने। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि पार्क टाउन के बारे में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल सके, जैसे कि लोकेशन, रोड एक्सेस, डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तमाम की तमाम डिटेल्स इस चुके वीडियो में होगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सो व्यूअर्स, हम लोग रवन दवा हैं, श्रीनगर हाईवे पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। और श्रीनगर हाईवे की बात की जाए तो एक वाइट रोड है, सिग्नल फ्री जोन है। सो व्यूअर्स, हम लोग इस टाइम 26 नंबर चौक पे हैं और अगर लेफ्ट होंगे तो जीटी रोड पे चले जाएंगे, बट हमने जाना है स्ट्रेट। सो व्यूअर्स, ये है जी मोटरवे चौक और हमने जाना है M1 पे। अगर लेफ्ट होंगे तो M2 लाहौर मोटरवे पे आप एंटर हो जाते हैं। हमने जाना है स्ट्रेट और एक साइड पे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट रोड कहते हैं, और एक साइड पे लेफ्ट साइड पे जो है M1, हमने यहाँ एंटर होना है और हम कंटिन्यू करते हुए आगे स्ट्रेट चले जाएंगे। सो व्यूअर्स, हमने फतेहजंग इंटरचेंज क्रॉस किया, उससे नेक्स्ट आता है मोटरवे के ऊपर ही पिशावर साइड। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो हकला इंटरचेंज, यहाँ से हम लोग लेफ्ट होंगे, आगे जाके आपको गाइड करते हैं। M1 से हम लोग लेफ्ट हुए थे, सी पैक के ऊपर हम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर रोड कंडीशन और रोड एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो थ्रू आउट 0 पॉइंट से श्रीनगर हाईवे, देन M1, उसके बाद हम लोग ये सी पैक रूट के ऊपर हैं। बहुत ही खूबसूरत रोड कंडीशन है, रोड एक्सेस बहुत अच्छी है, और आगे जाके सोसाइटी में एंटर होते हैं तो आपको देन गाइड करते हैं मज़ीद। तो व्यूअर्स, सी पैक से हम लोग तलागंग रोड के ऊपर लेफ्ट हो रहे हैं, जो कि एक्सक्लूसिव इनका ये कहेंगे आप इंटरचेंज है, जहाँ से हम लेफ्ट होंगे। जैसे ही हम टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट साइड पर फतेहजंग रोड के ऊपर हम एंटर हो जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं पार्क टाउन हाउसिंग सोसाइटी। पार्क टाउन हाउसिंग सोसाइटी की बात की जाए तो ये फतेहजंग रोड के ऊपर लोकेटेड प्रोजेक्ट है। सी पैक रूट से 500 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर है, 0 पॉइंट इस्लामाबाद से। इसकी रोड कंडीशन, रोड एक्सेसिबिलिटी बहुत ही शानदार है, और ये एयरपोर्ट, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तकरीबन 20 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है, और 0 पॉइंट इस्लामाबाद से तकरीबन 45 to 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये एक वाहिद प्रोजेक्ट है कि फतेहजंग रोड के ऊपर जो कि डेवलप भी है, इंस्टॉलमेंट पर भी है, और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। मेरे हाथ से चलते हैं अंदर और इसको विजिट करते हैं, मजीद इसके बारे में आपको जाके अंदर सोसाइटी में गाइड करते हैं। सो व्यूअर्स, बात की जाए ऑनर इंट्रोडक्शन की, तो ऑनर इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी ऑनर की क्रेडिबिलिटी आपको पता हो, ताकि आपको वहाँ से आइडिया हो जाता है कि कौन लोग हैं बेसिकली और ये डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर पार्क टाउन के ऑनर की बात की जाए तो मलिक नुसरत साहब जो कि फतेहजंग के प्रेसिडेंट हैं, और जुल्कनैन शाह साहब जो कि PTI के रहनुमा हैं, ये दोनों यहाँ के ऑनर हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ऑनर क्रेडिबिलिटी, इनकी प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए रियल स्टेट में, तो इन लोगों ने इस्लामाबाद में हाई रेजेज प्रोजेक्ट्स और कराची के काफ़ी सारे हाई रेजेज और एक दो सोसाइटीज़ भी वहाँ पर इन्होंने बनाई हैं। तो ओवरऑल जो ऑनर क्रेडिबिलिटी है, इतनी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं गई, लेकिन यह कि ऑनर क्रेडिबिलिटी एक अच्छी है। और फतेहजंग की बात की जाए तो फतेहजंग के ये एरिया के खुद प्रेसिडेंट हैं, तो मेरे ख्याल से। और इसके अलावा डेवलप सोसाइटी है, NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे ऑलरेडी घर बने हुए हैं, तो यहाँ से काफ़ी क्रेडिबिलिटी का पता चलता है कि चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी। सो व्यूअर्स, ये इसका जो है मेन बुलेवर्ड रोड है, जो कि फेज़ 1 का, ये काफ़ी अच्छा रोड है यहाँ पर भी। और इसके अलावा अगर ग्रीनरी को देखें तो काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो काफ़ी सारे घर यहाँ पे बने हुए हैं, एक आबाद सोसाइटी है, लोग यहाँ रिहाइश पज़ीर हैं, और ये सबसे अच्छी बात है कि लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, घर बना के काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ की अगर बात करूँ मज़ीद, तो फैसिलिटीज़ में यहाँ पे जो आपके पास मॉस्क है, ये स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, खूबसूरत स्कूल बना हुआ है जो कि ऑपरेशनल है। इसके अलावा पार्क्स यहाँ पे बने हुए हैं, रोड्स अच्छी हैं, बिजली यहाँ पे मौजूद है, लेकिन बिजली की अगर बात करूँ तो ये थोड़ी सी ओल्ड टाइप की है, अंडरग्राउंड सिस्टम नहीं है, लेकिन बिजली यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। और इस सोसाइटी के अंदर जैसे ही एक पॉपुलेशन जो कि गैस वालों की रिक्वायरमेंट होती है उतनी कंप्लीट होगी, तो गैस भी यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगी, क्योंकि NOC के बाद आपको गैस, बिजली, पानी की यहाँ पे टेंशन नहीं रहती। पानी के ओवर टैंक भी यहाँ पे मौजूद हैं, पानी की भी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। और इसके अलावा सोसाइटी ओवरऑल अगर देखूँ तो डिवेलपमेंट वाइज यहाँ पर हर चीज़ मुझे मिली है, और एक खूबसूरत प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा कहीं अगर मिडिल क्लास के लिए एक
बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि प्रोजेक्ट बनेंगे, डिलीवरी होगी, प्लॉट कटिंग होगी, ब्लैटिंग होगी, फाइल से हम आगे जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, एक लॉन्ग टाइम और एक शॉर्ट टाइम। लॉन्ग टाइम लाइक अगर आप फाइल लेना चाहते हैं वो ऑप्शन भी है। और व्यूअर्स, जैसे कि बात हो रही है फैसिलिटीज़ की, तो सोसाइटी के अंदर जो मॉस्क है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जहाँ भी सोसाइटी बनती है तो वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत मैटर करती हैं। तो मेरे पीछे बैक साइड पर आप देख सकते हैं खूबसूरत ग्रैंड मॉस्क यहाँ पे, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर इसका रेडी हो चुका हुआ है और काफ़ी बड़े साइज़ के ऊपर एक खूबसूरत मॉस्क यहाँ पे रेडी है। व्यूअर्स, बात की जाए इसके एरिया की टोटल, तो तकरीबन 3000 किनारे जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें जो एक पोर्शन है वो डेवलप है, एक नॉन डेवलप है, तो दो तरह के प्लॉट्स के ऑप्शन है। प्राइसेस मैं आगे शेयर करती हूँ, लेकिन ओवरऑल आपको मैं बता रही हूँ कि ये कटिंग वगैरह हुई हुई है लैंड की, और मज़ीद थोड़ी बहुत कटिंग इनकी चल रही है जो कि डेवलपमेंट की। सो अगर बात करें यहाँ पे डेवलप प्लॉट्स की, जो कि आपको फोरी यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाते हैं, उसमें 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के 3 साइजेस हैं। 5 मरला के अगर टोटल प्राइस की बात की जाए तो 21,50,000 है, और अगर 7 मरला की बात की जाए तो ये 28 लाख रुपए है, और 10 मरला 37 लाख रुपए का। डेवलप पोजिशन प्लॉट्स की ये प्राइस मैं आपको बता रही हूँ, और ये भी सबसे मज़े की बात है कि आपको इंस्टॉलमेंट्स पर मिल रहे हैं। 50% आपकी पेमेंट क्लियर होती है तो आपको पोजेशन दे दी जाएगी और आप यहाँ पे अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर इंस्टॉलमेंट्स करें तो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं इसकी। इंस्टॉलमेंट इसकी जो 5 मरला की है जी, वो 21,500 मतलब आपकी मंथली बनती है, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस के साथ मेरे ख्याल से अगर देखा जाए ओवरऑल डेवलप पोजेशन एरिया में, क्योंकि आपको फोरी यहाँ पे वो कोई नहीं है, फाइल नहीं है, कोई डेवलपमेंट होगी कोई टेंशन नहीं है। फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे एक कहते हैं ना, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक देखा जाए तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं नॉर्मल जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। डेफिनेटली बाकी बड़े कमर्शियल्स वगैरह, बड़ी अम्यूनिटीज़ जो बाकी चीज़ें होती हैं वो तो साथ साथ ही आएंगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप यहाँ पर रिहाइश पज़ीर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जो इसका पेमेंट प्लान है नॉन डेवलप एरिया का, वो थोड़ी कम प्राइसेस हैं उसमें जी। साइज़ हैं 3.5 मरला है, उसके अलावा 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला। अगर 3.5 मरला की बात की जाए तो 13,50,000 का है, और 5 मरला 18,50,000, 7 मरला 24,50,000 और 10 मरला 32,00,000 रुपये 50,000। अच्छा, इसके एक किनार और दो किनार के यहाँ पे प्लॉट्स नहीं है, छोटे रिहायशी प्लॉट्स हैं ताकि ज़्यादा सारे घर बन सके। एक डेवलप प्रोजेक्ट है तो जल्दी डिलीवरी का इनका मूड है, तो ये कि आपके पास ये पेमेंट प्लान मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी ताकि आप इसको अवेल कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट्स हमारे आ रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, उस पर भी रब्ता करके आप मज़ीद मालूम इसके बारे में ले सकते हैं प्राइस वगैरह की। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही थी, अभी थोड़ा सा अगर कंपेयर कर लें नोवा सिटी और के साथ, अगर यहाँ पे सराउंडिंग में फैसल टाउन की बात कर लें जो कि इसके सराउंडिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे पार्क टाउन की जो प्राइसेस हैं उनके उनसे बहुत कम हैं डेवलप में देखा जाए या नॉन डेवलप में देखा जाए, क्योंकि नोवा सिटी के अंदर इस टाइम पे 5 मरला आपको 30 लाख रुपए का मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए फैसल टाउन की, तो फैसल टाउन के अंदर इस टाइम आपको 75 लाख रुपये का जो है 5 मरला मिल रहा है, तो ये इसके सराउंडिंग के प्रोजेक्ट हैं। इसी के अलावा अगर बात की जाए जो कि इस्लामाबाद की टॉप प्रोजेक्ट है, तो आपको गुलबर्ग ग्रीन में जो है आपको 30 लाख रुपए का 5 मरला मिल जाता है। उसके अलावा पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी की बात की जाए तो वहाँ पे आपको 75 लाख रुपए का मिल जाता है। इसी तरह अगर बहरी एनक्लेव की बात की जाए तो वहाँ पे आपको तकरीबन 75 to 80 लाख रुपए का 5 मरला मिल जाता है। तो अगर टॉप के प्रोजेक्ट से देखा जाए तो गुलबर्ग ग्रीन के अलावा इसकी जो प्राइसेस हैं रीज़नेबल हैं, और सराउंडिंग के साथ देखा जाए तो इसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं है अगर कंपेयर किया जाए तो। ओवरऑल थोड़ा सा मुझे हाई लगा है क्योंकि यहाँ पर जो मज़ीद फैसिलिटीज़ आएंगी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अभी थोड़ी सी प्राइसेस हाई हैं, बट ये कि
एक चीज़ आपको मिल रही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारी सोसाइटीज़ का विजिट करवाती हूँ आपको, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती, बनने के कोई चांसेस नहीं होते, वो सिर्फ जस्ट फाइल्स होती हैं और लैंड होती है, हम विजिट कर रहे होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आपको काफ़ी चांसेस हैं कि आप फौरी यहाँ पे घर बना के रह सकते हैं। जो कि ख़ास तौर पे ये इस्लामाबाद वाले लोग तो ज़्यादा इधर शायद इंटरेस्टेड ना हों, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो KPK वाले के लिए और जो फतेहजंग के जो सराउंडिंग के एरियाज़ हैं उनके लिए ये जो एयरपोर्ट के नज़दीक लेना चाहते हैं, तो क्योंकि एयरपोर्ट के पास अभी काफ़ी कॉस्टली हो गई हैं सोसाइटीज़, और स्पेस भी वहाँ पे नहीं रही, तो ये बिल्कुल एयरपोर्ट के से थोड़ा दूर ही है लेकिन एयरपोर्ट की बैक साइड पे आती है, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिन लोगों ने एयरपोर्ट को कंसिडर करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एयरपोर्ट से अगर मेयर करें तो ये फतेहजंग के ऊपर एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके 2 फेसेस से एक फेज़ 1 जो मैंने मेन गेट आपको दिखाया, ये फेज़ 2, ये भी मेन फतेहजंग रोड से इसकी दोनों एंट्रेंस साथ साथ ही हैं, अटैच सोसाइटी के अंदर से भी रास्ता आता है, लेकिन अगर बात की जाए चूँकि फेज़ 1 वाली वहाँ से, तो वो थोड़ी सी जो मेन रोड है वो थोड़ी सी ओल्ड बनी हुई है, वो थोड़ी सी कंजेस्टेड है, लेकिन ये जो न्यू एंट्रेंस बनी है ये एक वाइट रोड है, एक मतलब ये डबल रोड है, टू साइडेड, यहाँ पे इस रोड की अगर बात करूँ कंडीशन की तो कारपेटेड है, अच्छी रोड कंडीशन है और ग्रीन बेल्ट भी है, फुटपाथ जो हैं वो भी बने हुए, तो प्रोसेस यहाँ पे डेवलपमेंट का हो रहा है, लेकिन चीज़ें आपको यहाँ पे हर चीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी तसल्ली होती है कि रोड एक्सेस, रोड कंडीशन बहुत मैटर करती है, सोसाइटीज़ के पास ओनली लैंड होती है लेकिन यहाँ पे हर तरफ काम हुआ है। सो व्यूअर्स, जैसा मैं मौजूद हूँ पार्क टाउन के साइट ऑफिस, वैसे इनका हेड ऑफिस जो है वो ब्लू एरिया में है, लेकिन जो साइट ऑफिस है वो सोसाइटी का यहाँ पे मौजूद है, अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं या आप कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट वाले खुद यहाँ बैठे हों तो आपके लिए ये फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, तो ये खूबसूरत इनका साइट ऑफिस है, यहाँ पे स्टॉक भी मौजूद है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको प्रॉपर विजिट भी सोसाइटी वाले करवा देंगे। सो व्यूअर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अगर डिसएडवांटेज में मुझे यही है कि ये आज के दिन तो अगर देखा जाए ओवरऑल इस्लामाबाद से थोड़े दूर है, लेकिन अगर आप B17 को कंसीडर करते हैं या कैपिटल स्मार्ट सिटी को, तो उसके साथ आप फिर अगर ऐसे कंपैरिजन में प्रोजेक्ट को कंसीडर करें तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, लाइक नोवा सिटी है या GFS है, तो ये उनके साइड पे है, तो अगर उनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर बात करूँ यहाँ पे एडवांटेज की, तो एडवांटेज ये है यहाँ पे कि एक तो NOC अप्रूव है, और सेकंड एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ये डेवलप प्रोजेक्ट है, और डिसएडवांटेज एक मेरा रह गया था जो कि अभी यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे कि शॉपिंग मॉल वगैरह, ग्रॉसरी शॉप्स और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि डेली बेसिस रूटीन में आपको रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो यहाँ पे फैसिलिटीज आज के दिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए एडवांटेज में तो डेवलप प्रोजेक्ट है, NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, एक पुरसकून आपकी एक ट्रस्ट वाली इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ये कहूँगी मैं। सो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, जब भी कभी कोई इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर, तो मेरी उसके लिए सजेशन होती है कि 3 से 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उनको ज़रूर मद्देनजर रखें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो और आपको ईजी हो इन्वेस्टमेंट करने में। तो सर बात करें तो लोकेशन की, अगर बात टाउन की तो लोकेशन इज़ अ गुड कहेंगे, नॉट बैड, और अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट इज़ मतलब ना हाई है ना लो है, एवरेज है, गुड ही है ये भी। उसके अलावा अगर बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो रिटर्न जहाँ पे अभी थोड़े स्लो हैं, लेकिन डेफिनेटली आगे जाके रिटर्न्स आएंगे क्योंकि इस जो लोकेशन फतेहजंग का है इसका थोड़ा टाइम है, डेवलप एरिया में यहाँ पे रिटर्न्स आपको जल्दी आएंगे, लेकिन नॉन डेवलपमेंट डेफिनेटली जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो रिटर्न्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो अभी कोई रिटर्न्स का खास अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि ये प्री लॉन्चिंग फेसिस पे है, इन्होंने दोबारा से अभी ये फ्रेश बुकिंग स्टार्ट की हुई है, तो अभी को हम आगे जाके देखेंगे, जो ऑलरेडी घर हैं उनके अंदर रिटर्न्स आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर है, NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है, एक डेवलप प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और ऑनर आपके सामने एक PTI के जो है उनकी क्रेडिबिलिटी देखी जाए तो एक अच्छे ऑनर इसको ऑन कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी की यही बहुत बड़ी चीज़ होती है सिक्योरिटी के लिए कि एक ऑन ग्राउंड लैंड मौजूद है, NOC अप्रूव्ड है और एक डेवलप सोसाइटी है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे डेफिनेटली 100% सिक्योर है। इसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पे मेरे ओपिनियन की कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगी या नहीं, तो डेफिनेटली अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद में रहना पसंद है, तो मैं वहाँ कंसीडर
करूँगी, मैं यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करूँगी, मतलब क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है ये प्रोजेक्ट, दूर काफ़ी है इस्लामाबाद से मेरे लिए, पर जो कि केपी के लोग हैं या यहाँ फतेहजंग साइड के लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सो व्यूअर्स, ये था आज का डिटेल रिव्यू पार्क टाउन हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप पार्क टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गुलबर्ग एसोसिएट्स के जो दिए गए नंबर और डिटेल्स स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इनसे रब्ता करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, सोसाइटी विजिट कर सकते हैं, और जो भी आपकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो भी आप ले सकते हैं। तो कुरते लाइन को दें इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।